कापसे येथील उमिया पार्किंग येथील युनियनच्या कार्यालयात नागपूर ट्रेलर युनियनतर्फे 75वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी संघाचे अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. शेषमणी मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमात नागोराव वाघ, सुधीर कापसे, अशोक पंडित, संजय शर्मा तसेच युनियनचे सर्व पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, यह आज जो स्वतंत्रता दिवस का अवसर हमारे सामने है, यह हमारे लिए बहुत मूल्यवान है. हम सभी लोग अपनी आंखें इस देश में स्वतंत्रता होने के बाद में खोली है. इसका हमें उतना आभास नहीं है जितना हमारे पूर्वजों को उसकी कठिनाई का आभास था जब हम लोग गुलाम थे. हमारे पूर्वज, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस बात के लिए और हमारी पीढ़ी के, मतलब हम लोगों के और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं और हमारे लिए ये जो देश का ऐसा आज वातावरण बना के गए हैं, उसके लिए आज हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं. उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं. दोस्तों, ये स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं है. आज हम लोग जो यहाँ पर जिस वातावरण में रह रहे हैं, यह वातावरण हम लोगों को सहज ही मिल गया है. इसके लिए यदि हम कल्पना करते हैं, जब हम और देशों में देखते हैं गुलामी की तस्वीर की कल्पना करते हैं और पुराने 47 के पहले की स्थिति को देखते हैं, तो हमको आभास भी होता है कि वो कितने दुर्गम दिन थे. भाइयों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग अपने यानी हिंदुस्तान में जो ये स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये बहुत बड़ा पर्व है. इससे हम लोग एक प्रेरणा मिलती है. ये स्वतंत्रता 200 साल के बाद में हमको हमारे महान पुरुषों ने दिलाया है, जिन्हें हमें आज के दिन याद करना बहुत जरूरी होता है. आज हम उनके याद में इस पर्व को मनाते हैं. उनसे ये प्रेरणा मिलती है कि लोग अपने भाई, आज के डेट में भाई भाई की नहीं हो रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की नहीं हो रहा है, लेकिन वो महान पुरुष पूरे देश के लिए कुर्बानी दे दिए और हमको आजादी दिए. आज अपना लोगों का स्वार्थ नहीं रहा, आज वो लोग नहीं रहे, लेकिन हम लोगों को फर्ज मिलता है कि उन महान शहीदों को, महान पुरुषों को, देव आत्माओं को हमें याद करना चाहिए और वो जो है आज हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के रूप में ही उनको याद करते हैं.